वापस एक बार मेरे पास है ये 10,000 का लैपटॉप एंड उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे एक 2.5 लाख का, सीरियसली 2.5 लाख का लैपटॉप जो कि एक्चुअली 2.5 किलो का भी है। हम लोग देखते हैं कौन सा लैपटॉप कैसा है। जाहिर सी बात है महंगा है तो ये वाला बहुत बेटर होगा, लेकिन कितना बेटर है और क्या क्या डिफरेंसेस है वो आज हम लोग देखने वाले। और 10,000 में क्या गेम चल सकते हैं GTA 5 जैसे, वो भी अपने को देखते हैं। पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग हो जाए। बॉक्स अच्छा वाला दिया है, अच्छी क्वालिटी का दिया यार। 10,000 के लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वालिटी लग रहा है बॉक्स का मुझे, प्लस सील वगैरह इसमें भी भाई अच्छा अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा दिया। रुको देखते हैं इसको, इसको खोलना थोड़ा अजीब है भाई, मजाक नहीं करूंगा आपसे, थोड़ा मुश्किल है खोलना इसको। अभी खुल गया, ठीक है। ओ भाई इतना सा चार्जिंग एडाप्टर, ये फोन का आता है इतना। मेरी ये पीछे लाइट देख रहे हो, ये दोनों उसका चार्जिंग एडाप्टर इससे बड़ा है। के थोड़ा प्रीमियम है इसका पैकेजिंग, अच्छा लगा मुझे देख के। अभी देखते हैं इसको ये करके ओपन करके। ओ ये क्या है भाई, ये देख क्या फर्स्ट टाइम देख रहा है, ये चीज क्या ऐसी पैकेजिंग के लिए दिया क्या इन लोगों ने। भाई है पैकेजिंग है इनकी, पैकेजिंग है, मुझे अच्छा लगा। और ये आता है अपना, ओह खतरनाक भाई। इसको निकालते अभी भाई, मजाक नहीं करूंगा, दिखने में खतरनाक सा है। वैसे स्मेल थोड़ा सा अजीब सा रहा है, बट दिखने में खतरनाक सा रहा है, हैवी नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने इसको लिया था 10,000 के अंदर ही जब डील में था तब, अभी शायद से थोड़ा महंगा हो सकता है, बट ये हम लोग को सबसे सस्ता लैपटॉप दिखा था उस टाइम पे, इससे सस्ता था ही नहीं लिटरली उस टाइम पे, तो हम लोगों ने ये लिया है। एंड भाई इसको देखते अभी ओपन करके, स्क्रीन वगैरह खतरनाक दिख रहा है, ये चीज भी दी है इन लोगों ने, इंटेल सेलेरियम प्रोसेसर है। बाकी हम लोग दिखते क्या क्या इसमें भाई, ये देखो अनरैपिंग देखो। अरे फेल्ड, वो खतरनाक भाई। क्या लगता है ये चालू होगा डायरेक्टली? आई डोंट थिंक चालू होना चाहिए, क्योंकि हो जाएगा चार्जिंग नहीं। हो गया, सच्चे हो गया, लेकिन इसको 1.5-2 महीना हो गया आके हमारे पास से ना गाइस, ये 1.5-2 महीने से पड़ा है, अमेज़न का सील चलता तब लिया था हम लोगों ने, और अब तक पड़ा था और अभी भी चालू हो रहा है भाई। मानना पड़ेगा इसको, मानना पड़ेगा मुझे। क्या लगता है क्या स्पेक्स होंगे? स्पेक्स मुझे लगता है होगा 2.5 GB RAM होगी इसमें। 2.5 GB है क्या? देखो देखो गेस करते, ठीक है प्राइस के हिसाब से मैं गेस करता हूँ, इसके अंदर हो सकती है 2.5 GB RAM, इंटेल का सेलेरियम प्रोसेसर लिखा है, स्टोरेज होगा मुझे लगता है 128 GB हो सकता है मैक्सिमम, और बाकी तो कुछ SSD है। SSD भाई पगला गया तू, SSD मुझे लगता है 64 GB क्योंकि SSD 128 GB के SSD इसके अंदर। RAM कितनी? गेस करना, मैं बोला 2.5 GB, 4 GB मुझे लगा 512 है, सीरियसली 4 GB की RAM भाई। और ग्राफिक्स भी USD ग्राफिक्स 600, शायद से इस पे गेम्स चल सकते खतरनाक वाले। ये चालू होने में ऐसे टाइम लगा था, SSD है क्या पक्का इसमें? हाँ, ड्यूअल स्पीकर। अगर हम लोग इन दोनों लैपटॉप्स की बात करें तो भाई ये एक्चुअली में काफी ज्यादा हल्का वेट पे, एंड इसको एक हाथ से उठाना भी थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है भाई। ये कसरत के लिए सही हो जाएगा, बट काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा अगर गिर गया तो। लैपटॉप के साथ भाई अगर इनके हम लोग चार्जर देखे, ये सस्ते वाले का चार्जर है, ठीक है एक्सट्रीम सस्ता, ये चीपेस्ट का चार्जर है, एंड ये महंगे वाले का। सीरियसली बोलता हूँ, ये चार्जर का वेट वगैरह देख के लग रहा है सस्ता वाला बेटर है वेट के मामले में। भाई थिकनेस की बात करूँ तो ये देखो क्या मोटा सा लैपटॉप है, फील अच्छा है लेकिन इसका, और ये क्या पतला सा दिख रहा है, इसका भी फील एक्चुअली में अच्छा है प्लास्टिक होके भी। इसको मार के देखते हैं, इसको मार के देखते हैं, सेम ही आवाज आता है भाई। मतलब भाई मार के पता नहीं चलेगा कि कौन सा महंगा है। ओके अगर पोर्ट्स देखे हम लोग दोनों लैपटॉप पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ये साइड से पोर्ट ही नहीं है, सीरियस लेफ्ट साइड से एक्चुअली एक हेडफोन जाके 2 USB पोर्ट्स है, पीछे से अच्छा है इसका, ठीक है पीछे से ना दो यहाँ पे टाइप सी के पोर्ट, एक HDMI फुल साइज वाला, एक इथरनेट, एंड यहाँ पे चार्जिंग लगा इसको। और इस वाले में काफी इंटरेस्टिंग पोर्ट है राइट साइड से, ये तो नॉर्मल USB वाला है, ये इथरनेट का पोर्ट है, इसे ओपन करके में केबल डाल सकते हैं, ठीक है ये भी USB है, हेडफोन जैक का पोर्ट है यहाँ पे, एंड भाई सीरियसली यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड के लिए पोर्ट है जो कि काफी यूनिक है। लेफ्ट साइड से एक्चुअली अपने पास यहाँ पे HDMI, लेकिन ये एक्चुअली में एक मिनी HDMI पोर्ट है, फुल साइज नहीं है, यहाँ पे USB है लेकिन ये USB 3.0, इतने सस्ते लैपटॉप में भाई USB 3.0 खतरनाक चीज। एंड चार्जिंग को लगाया भाई, ये देखो चार्जर का यहाँ पे लाइट भी चालू, और नीचे से एक्चुअली ये फुल ऐसा पैक्ड है, थोड़े बहुत यहाँ पे होल्स है और कुछ नहीं। और ये वाले को देखो गाइस, ठीक है नीचे से इन लोगों ने बड़े बड़े से वेंट्स दिए क्योंकि इनको भी पता है ये बहुत गर्म होता है। एंड स्पीकर्स वगैरह इसके यहाँ पे स्पीकर्स आते हैं गाइस, यस यहाँ पे भी वेंट्स है भाई, खतरनाक चीज है। ठीक है गाइस अभी हम लोग चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा लैपटॉप पहले चालू होता है, ठीक है तो हम लोग रेडी रहते हैं अभी, एंड अभी 3-2-1 गो।
देखते कौन सा पहले चालू होता है। ठीक है, ओ यहाँ का लोगो भी आ गया, यहाँ पे अब तक विंडोज का लोगो आ गया, यहाँ पे अब तक यहाँ पे आदव जी का लोगो आ गया भाई सिर्फ। हेलो भैया, यो यो चालू हो गया। ओ थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस था यार, बट आई थिंक दोनों सेम ही पकड़ूंगा मैं। गाइस चालू होते हुए तो देखा हम लोगों ने कितना टाइम लगा, लेकिन बंद होते हुए भी देखेंगे। ठीक है, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। चलो दोनों पे क्लिक किया, दोनों शटिंग डाउन आ गया दोनों की जगह। ये पहले ये फुल बंद हो गया भाई, इसका आवाज नहीं आ रहा है और ये कुछ ना कुछ अजीब चीजें पूछ रहा है। चलो ये अब तक स्टिल चालू है, ठीक है, ये लाइट जब तक बंद नहीं होती ना तब तक बंद नहीं हुआ समझो, और ये वाला हो गया बंद हो गया, फुल बंद है। इसमें से अभी तक फैन का आवाज आ रहा है, ये अब तक बंद नहीं हुआ, आई गेस अभी बंद हो गया भाई, बहुत टाइम लगा लिया भाई। गाइस मेन चीज बताता हूँ जिसके लिए ये लैपटॉप इतना मंगा, वो है ये सारी की सारी लाइट्स, नीचे से आरजीबी लाइट्स, यहाँ पे लाइट्स, देन पीछे से भी लाइट है। ये देखो यहाँ पे लोगो है ना लोगो, ये साइड पे वहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, फुल लाइट है एंड कस्टमाइज कर सकते हैं फुल्ली ये लाइट्स, और यहाँ पे भाई कुछ भी लाइट्स नहीं है। बट ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो ये सही बात है कि चलो भाई सब जगह थोड़ी ना लाइट्स की जरूरत पड़ती है, बट मेरे को पसंद है लाइट्स पर्सनली। स्टिल इसका डिजाइन खतरनाक दिख रहा है, एकदम स्लिक डिजाइन देख नीचे से, वो सच्ची डिजाइन बहुत खतरनाक है गाइस इसका। एंड सीरियसली बोलूं तो डिस्प्ले इतना ज्यादा भी गंदा नहीं लग रहा है, इसको देखूंगा तो सच्ची बोलता हूँ। रुको रुको, हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे YouTube चला के देखते हैं 4K में दोनों जगह। गाइस महंगा हो या सस्ता हो दोनों जगह YouTube के एड सेम ही आएगी, YouTube सबको बराबर मानता है भाई, अच्छा YouTube। ओके, दोनों जगह हम लोग अभी 4K वीडियो चला के देखने वाले, सीरियसली 4K चलती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी लिटरली। ओके 4K इस पे तो ऑब्वियसली चल जाता है, इसमें कुछ नई बात भी नहीं है, चलना भी चाहिए, अगर नहीं चलता तब ये गलत हो जाता, पर यहाँ पे अब तक लोडिंग ले रहा है। ठीक है, 4K चालू करने की लोडिंग चालू है, वाई फाई 6 पे हम लोग स्टिल लोडिंग थोड़ी ज्यादा ले रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। चालू हो जा, लैग हो रहा है ये अब तक, अब यहाँ पे भाई मस्त यार मस्त दिख रहा है, 4K में दिख रहा है। चल जा भाई, चल सकता है, दुकान सकता है भाई, दुकान सकता है। यहाँ पे कछुआ भी आ गया भाई, ये भी आ गया। ओ यहाँ पे चालू होगा वीडियो चालू होगा, ये देख 4K में चल रहा है वीडियो, बट लोडिंग ज्यादा वेट, आई थिंक इंटरनेट ज्यादा खा रहा है ये वाला लैपटॉप, ये थोड़ा इंटरनेट खींच रहा है मुझे लगता है। तो ये देखो इसको मैंने रोक लिया, अब ये चलना लग गया, देखो थोड़ा सा लैग लग चल रहा है, बट 4K वीडियो ये प्ले कर पा रहा है, देखने लायक नहीं है 4K में, बट हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये स्क्रीन तो वैसे 4K की नहीं है तो थोड़ा कम करते, 1440p पे आते, 2K पे आते, 2K एकदम सही चल रहा है, एकदम सही परफेक्ट एंड क्वालिटी भी सही। सीरियसली बोलता हूँ दोनों स्क्रीन की क्वालिटी मुझे सेम ही लग रही है अभी, सच्ची बोलता हूँ, लाइक देखने के लिए मैं सिर्फ देखूंगा दूर से मूवीज वगैरह, दोनों की सेम क्वालिटी है, बट इसका थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी एकदम। वाओ मस्त है यार, इसकी भी स्क्रीन मस्त है, मुझे पसंद आ गई। अभी बात परफॉर्मेंस की चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्रोम इस पे चालू करके देखते हैं कैसे। अभी हम लोग देखने वाले कि हम लोग कितने क्रोम के विंडोज दोनों लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली बहुत कम रैम है, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी, 4GB रैम है इसमें, सीरियसली इतनी ज्यादा रैम इसमें, रैम एक्चुअली देखो 3.8GB है, मतलब कि 4GB हो गई, एंड इस वाले में देखते हैं कितनी GB रैम है, इसमें 32GB है, मतलब 8 टाइम्स ज्यादा। ये लो अभी देखते हैं कितनी क्रोम विंडोज ओपन होती है। ठीक है, मैं सिर्फ ये प्लस दबा जाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओपन हो चुकी है, शायद मैं दिखा भी पाऊंगा आपको कि 100 हुई या नहीं। ये देखो 100 विंडोज ओपन कर दी हम लोगों ने क्रोम की, एंड अभी स्टिल यूट्यूब चलता है, वो देखते अभी लैग होके चला भाई, इतना लैग नहीं होता यूट्यूब। ठीक है, और इस पे अभी ट्राई करते सेम चीज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे अभी ये दिखने रहा है जल्दी से, 15, 16, 17, 18, 19, 20 विंडोज ओपन हो चुके हैं, 21, 22, 23, 24। इसमें मैंने 50 विंडोज ओपन कर लिए अभी, लगभग नहीं एग्जैक्टली 50 किए। अब ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एक एक करके विंडो ओपन की इसने। अभी यहाँ पे यूट्यूब सर्च करके हम लोग यूट्यूब सर्च करके ये चलता है कि बस इतना ही देखते, ठीक है चल रहा है, अगर चलता है तो और मैं 50 ओपन करूंगा। ओपन हो रहा है यूट्यूब, बट लैग होके इतना तो इसमें हो ही रहा था, तो और हम लोग 50 विंडोज ओपन करेंगे पहले वाली बंद करके। ठीक है, हंड्रेड विंडोज इस पे भी ओपन हो चुके हैं, एक एक करके लोड होते जाएगी। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि कितना रैम बचा है इसमें, लगभग सारी रैम यूज हो चुकी है, 400 MB बची है इसमें।
कम होते जा रही है वो भी, देख 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 200 अवेलेबल, देख कितना बता रहा है ये, देख रैम का परसेंटेज 100% यूज हो रहा है लगभग। ओह नो, अभी यूट्यूब हम लोग सर्च करते हैं इस पे एंड अभी चलता क्या देखते हैं, ठीक है। ओ अब तक चल रहा है भाई, सीरियसली मानना पड़ेगा इसको, मानना पड़ेगा भाई। अगर इसने चालू कर लिया यूट्यूब तो मैं मान जाऊंगा इस लैपटॉप को। किया भाई, किया लोड हो रहा है यूट्यूब इतने कम रैम में, 100 के ऊपर विंडोज पे किया भाई इसने, मान गया भाई इसको। सिर्फ 200 MB इसकी रैम बची है। अभी देखो मैं पूरा बंद कर देता हूँ, ठीक है क्रोम, अभी देखना कितनी रैम हो जाती है। बंद हो जाए भाई, क्रोम भी बंद हो रहा है, अपने पास खतरनाक हथियार होता है ये सब के लिए। अभी क्रोम बंद हो चुका है, आप देखते अभी देखो तुरंत रैम बढ़ गई, 1 GB तक जाने लग गई सीधा, ये देखो 1.5 GB के ऊपर चली गई सीधा। क्रोम भाई खतरनाक चीज है, मैं बोलता हूँ तुम लोग को। इसमें देखो, इसमें तो आई थिंक रैम यूज भी नहीं हुई, इसमें देखो इसमें एक्चुअली अब तक 21 GB बची रैम। अगर मैं क्रोम फुल बंद करता हूँ, ये देखो सीधा 21 से 23.7 GB तक आ गया। गाइस इसमें एक्चुअली में साउंड ही नहीं है इस वाले लैपटॉप में। मैं भी बोलूं भाई इसका स्पीकर कहाँ चला गया, ये लैपटॉप में स्पीकर ही नहीं है। ये लोग बोल रहे तुम लोग चुपचाप से अपने हेडफोन लगाओ उसके बाद सुनो, भाई स्पीकर नहीं है, नो ऑडियो डिवाइस यहाँ पर लिख के आ गया है। एंड इसमें सब कुछ पहले से इंस्टॉल था, तो आई गेस भाई पता नहीं कैसे ऐसा, मैं स्टिल डिवाइस मैनेजर में चेक कर लेता हूँ एक बार। गाइस मैंने लिटरली इसमें चेक किया, इसमें है ही नहीं, साउंड का ऑप्शन नहीं है। तुम लोग यहाँ पे अभी चला के देखते भाई, ये स्मूथ लग रहा है, ऑब्वियसली होना ही चाहिए भाई, इतना पैसा दिया तो होना ही चाहिए स्मूथ। अभी इस पे साउंड देखते हम लोग, है भाई इसका खतरनाक साउंड आता है भाई, खतरनाक साउंड आता है, सीधा टेबल हिल जाता है, साउंड खतरनाक है भाई, मानना पड़ेगा इसको, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई इसको, मानना पड़ेगा। अभी भाई एक अल्टीमेट टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, वो है कि दोनों में GTA 5 चलता है। ऑब्वियसली इसमें चलेगा, बट कितना अच्छा चलता है वो देखेंगे, और इसमें पता ही नहीं चलेगा या नहीं। और गाइस ध्यान रखना कि ये वाला महंगा वाला लैपटॉप 2.5 लाख का लैपटॉप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए, एंड ये वाला भाई जनरल यूज के लिए। तो अगर इसमें GTA 5 चालू भी होती है तो भी मैं खुश हूँ। ओके हम लोग गाइस अभी इस वाले लैपटॉप में GTA 5 इंस्टॉल करने वाले हैं, सस्ते वाले में, एंड अभी इंस्टॉल हो जाएगी क्या वो देखना है, क्योंकि ये एक मिनट सीरियसली इसमें स्पेस कम है, क्योंकि GTA 5 को अलोन लगता है 100 GB, एंड इसमें हम लोगों ने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसमें स्पेस है ना उतना, लिटरली है ही चलेगा कैसे भाई। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल ड्राइव में डालना पड़ेगा, उसके बाद इसके साथ ट्राई करना पड़ेगा। इस वाले में क्या GTA 5 रेडी है प्ले करने के लिए, एक बार क्लिक करूंगा तो लोड स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी अपने को प्ले करके देखना है कि मुझे देखना है लोडिंग स्क्रीन तक तो हम लोग पहुंच पा देगा, फर्स्ट टाइम चालू होने वाला है तो कुछ चीजें ये इंस्टॉल करेगा मे बी। ओके अभी GTA 5 चालू होने वाला है, ये रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर चालू हो गया, पहले डर का माहौल दोस्तों ये ऐसा वाला आ गया, इसका मतलब भाई क्रैश होने के चांसेस बहुत हाई हो गए। ये वाले में गाइस स्टक हो गया इस स्क्रीन पे, तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, कुछ क्लिक नहीं करते, तब तक यहाँ पे हम लोग चालू करके गेम देखते हैं, फुली खेल के भी देखेंगे इसको सही से। एंड ऑब्वियसली बात है इसमें अच्छा ही चलना चाहिए, 60 FPS के ऊपर आएगा इसमें। आराम से गेम चालू हो गया जैसे एक्सपेक्टेड था इससे, ये देखो गाड़ी में बैठ गए हम लोग, अभी मस्त भाई गाड़ी भी भगाएंगे, ये देखो भाई मस्त गाड़ी भी भगा रहे हम लोग, कोई सीज नहीं, आराम से चल रही है, 60 FPS के ऊपर आ रहा है, 50 बीच में हो रहा है एक दो जगह पे। इसमें अब तक भी लोडिंग का सेम ही पंगा है भाई, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है इसको मैं क्लोज करता हूं। आई थिंक एक बार रिस्टार्ट, अनेबल टू लॉन्च गेम, प्लीज ट्राई रीइंस्टॉलिंग, क्या हो क्या गया इसको। वन इटर्निटी लेटर गाइस लिटरली फाइनल कैसे वैसे हम लोगों ने चालू करवाया है, ये देखो लोगो वगैरह आ गया, और मैंने ये वायरलेस ईयरबड्स पहने ताकि इसको ऑडियो का प्रॉब्लम ना आ जाए, चालू हो सकता है, ठीक है लाइक पॉसिबिलिटी है इसमें अब तक। ये सब भी लिख के मैं फुल स्क्रीन इसको कर देने वाला, जितने में चलता है चला दो भाई, सीधा स्टोरी मोड पे जा रहा है, रुको भाई रुको देखते क्या होता है। अगर चालू हो गया, चालू हो गया, मैं मान गया इस लैपटॉप को, ये जीत गया तुझे, कुछ तो आया भाई, अरे ये सब छोड़ भाई चल, ले जो एसएस लेना है, जो हैक करना कर ले। अरे अभी स्टोरी मोड पे क्लिक करना, मैं भूल गया यार, अभी स्टोरी मोड स्टार्ट होगा, अभी लोडिंग एक्चुअल स्टार्ट होगी। यो फ्रैंकलिन दिखने लग गया मुझे, अबे चल रही है गेम, हेलो, बहुत लैग हो रही है, वो बात अलग है, चल रही है। दरवाजा खोल भाई, दरवाजा खोल, नॉट रिस्पॉन्डिंग चली गई भाई, लेकिन चालू हो गई उतना भी मेरे लिए काफी, देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके ओके चल रही, ओके सीरियसली भाई 10-15 FPS आ रहा है शायद से, 5-10 आ रहा है कुछ, सिर्फ चल रही है गेम, बैठ पाएंगे तो भी इनफ है इसमें गाड़ी में, गाड़ी चला पाऊंगा क्या भाई, क्या लगता है यार, गाड़ी चलोगे ठीक है, वो चला पा रहा हूँ भाई, गाड़ी चला पा रहा हूँ मैं, सीरियसली गाइस ये देखो भाई इसमें GTA 5 चल रही है, आराम से जाए चल रही है, वो बात लगी लेकिन चल पा रही है। सीरियसली बोलता हूँ गाइस, हमारे जमाने में लाइक हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लैपटॉप लिया था 35,000 के लैपटॉप में GTA San Andreas ठीक से नहीं चलती थी, लाइक चलती थी बट थोड़ा सा अटक अटक के, बट ये वाला
वाले में GTA 5 चल रही है उतने अच्छे से भाई, क्या मजे यार। वो भाई सब मानना पड़ेगा यार। और थोड़े से अगर मॉडिंग वगैरह करके इसके ग्राफिक्स और कम कर दिए ना तो ये प्लेएबल भी हो जाएगी, लाइक 20-30 FPS तक आ सकती है मुझे लगता है। गाइस लिटरली इस वाले इतने सस्ते लैपटॉप में GTA 5 चालू हो रही है वो बहुत बड़ी बात है। अभी देखो काफी लोग को लगता है कि भाई ये लैपटॉप मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए ये सब ऐसे बोल रहा हूँ आपको। मैं कभी भी जो चीपेस्ट है वो रिकमेंड नहीं करता, ये याद रखना। ये हम लोग प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रहे इसका, हम लोग देख रहे हैं कि सबसे चीपेस्ट और सबसे महंगा, लाइक सबसे भी नहीं बट महंगे से महंगे लैपटॉप में क्या डिफरेंसेस है। बट भाई परफॉर्मेंस डिफरेंस आगे जाके और भी कम हो जाएगा, लाइक सारे गेम्स शायद सस्ते वाले लैपटॉप्स में आगे जाके चलने लग जाएगी। आपको कौन सा लैपटॉप इसमें से मजा आया देखने में वो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई GTA 5 इसमें चलाने में बहुत मेहनत लगी है, यहाँ वहां से ये किया मैंने तब चलिए, तो प्लीज लाइक दे दो मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।